नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह ससोदिया। गिर नेशनल पार्क में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एक बहुत ही यूनिक जगह है जहाँ पर पाए जाते हैं एशियाटिक लायन। पूरे एशिया में एकमात्र गिर ही ऐसी जगह है जहाँ पर हम लायन देख सकते हैं नेचुरल कंडीशंस में। गिर नेशनल पार्क में कुल मिलाकर 13 रूट्स हैं। यहाँ पर जोन सिस्टम नहीं है, यहाँ पर 13 रूट्स हैं, 13 अलग अलग रास्ते हैं जो कि आपको दिए जाते हैं। हमने इससे पहले भी कई सफारीज करी हैं गिर नेशनल पार्क की। ये आज का जो रूट है वो रूट नंबर 6 है जो कि हमें आज मिला है। हर रूट डिफरेंट होता है, हर रूट का एक्सपीरियंस अलग होता है, तो इस एक्सपीरियंस को आज हम इन्जॉय करने वाले हैं और हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ जुड़िए और इस एक्सपीरियंस को इन्जॉय कीजिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और चलते हैं गिर नेशनल पार्क में। देखिए, गिर नेशनल पार्क में सफारी करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन परमिट बुक करना पड़ता है जो कि इस वेबसाइट से किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए पास आकर के, ये वेबसाइट है girlion.gov.in। ये आपको इस वेबसाइट पर जाना है, यहाँ से आपकी परमिट बुकिंग होती है। देखिए, ऑनलाइन परमिट जब आप बुक कर लेंगे तो इस तरह का आपके पास PDF आएगा जिसका आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। तो उस परमिट को लेकर आपको यहाँ आना पड़ता है शासन गिर में, सिंह सदन में। ये है गिर नेशनल पार्क का मेन ऑफिस जहाँ से आपका परमिट वेरीफाई किया जाता है। वेरीफिकेशन के बाद आपको यहाँ पर एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे जिप्सी और गाइड के, क्योंकि वो पूरा टिकट नहीं था, वो सिर्फ परमिट का चार्ज था। यहाँ पर आपको 2000 रुपये जिप्सी का चार्ज देना होगा और 400 रुपये आपको यहाँ पर गाइड का चार्ज देना होगा। तो कुल मिला के हो गया 2400 प्लस 800 रुपीज़, तो आपको 3200 रुपये एक सफारी का कॉस्ट पड़ता है, जो कि 6 जनों की जिप्सी का एक तरह से कहा जाए। अगर आप एक सिंगल पर्सन भी जा रहे हैं तो भी आपको 3200 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर आप 6 पीपल भी जा रहे हैं तो भी आपको उतना ही देना पड़ेगा। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितने लोग जाते हैं। अगर ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो शेयरिंग बढ़ जाएगी और आपको कम कॉस्ट लगेगा। देखिए, ये है वो विंडो जहाँ वेरिफिकेशन के बाद आपको अपनी व्हीकल और गाइड फीस डिपॉजिट करनी पड़ती है। जैसे कि हमने बताया 2000 रुपीज़ फॉर द व्हीकल फीस एंड 400 रुपीज़ फॉर द गाइड फीस। तो यहाँ पर वो आपको डिपॉजिट करनी पड़ती है और उसके बाद आपके जो व्हीकल हैं, कहे जो व्हीकल के ड्राइवर हैं, जो गाइड्स हैं, वो आपको यहाँ से लेकर जाते हैं सफारी के लिए। तो अब हमें अपने गाइड सर और जिप्सी अलॉट कर दी गई हैं और अब हम जा रहे हैं गिर नेशनल पार्क में सफारी के लिए। गिर नेशनल पार्क नॉन प्लास्टिक जोन है, इस वजह से हम यहाँ पर प्लास्टिक की वाटर बॉटल नहीं ले जा सकते। यहाँ पर इस तरह से मेटल की जो वाटर बॉटल्स हैं वो इशू की जाती हैं, जिसका रेंट शुल्क है 10 रुपीज़ पर बॉटल। देखिए, पिछली सफारी में हम गए थे, हमारा जो रूट था वो 3rd नंबर का था, तो हम गेट नंबर 1 की तरफ गए थे। इस बार हम गेट नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं, है ना सर? हाँ। यहाँ पे दो गेट हैं और 13 रूट हैं। 13 रूट हैं, तो दोनों को गेटों में बांट दिया गया, इधर का रूट उधर का रूट अलग अलग। तो अभी हम जा रहे हैं रूट नंबर 6 की तरफ। देखिए, यहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं गेट नंबर 2 की ओर। यहाँ से जो रूट जाते हैं वो है 2, 4, 6, 9, 11 और 12। ये नंबर ऑफ रूट्स हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ से अब हम प्रवेश करेंगे अंदर की ओर। देखिए, यहाँ पर इस तरह से एंटर करने से पहले यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाता है। जो भी जिप्सीज हैं, जैसे कि हमारे पीछे भी आप देखिए कई सारी जिप्सीज आती जा रही हैं, सभी का वेरिफिकेशन यहाँ पर होने वाला है। आगे भी जिप्सीज हैं, सबके वेरिफिकेशन करने के बाद ही अंदर एंट्री दी जाती है। तो चलिए अब यहाँ से प्रवेश करते हैं। हमारा वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो चुका है, हम चल रहे हैं गेट नंबर 2 से अंदर की ओर। अब यहाँ से सफारी शुरू होती है। तो देखो, हमारा सफर यहीं से स्टार्ट हो गया। ये पूरा जो गिर का एरिया है ना, 1412 किलोमीटर का है जी, 1412 स्क्वायर किलोमीटर। पूरा गिर 5 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, पोरबंदर और गिर सोमनाथ जी। पूरे गिर में लाइन की संख्या है 674। पूरे गिर में जैसे जूनागढ़ का जू है वो भी काउंटिंग में आ जाता है। अच्छा। देवलिया सफारी पार्क है वो भी काउंटिंग में आता है। अच्छा। ठीक है, 600 प्लस जितने तेंदुए है लेपर्ड जी। बाकी तो इसमें डियर है, सांबर है, जैकल है, आइना है, फॉक्स है, मंगूज है, नीलगाय है, पीकॉक है जी। और 300 से ज्यादा प्रकार के बर्ड्स भी है इसमें। ओके। पाइथन है, स्नेक है, पर गवर्नमेंट हमको एक भी एनिमल की गारंटी नहीं देती है। सो परमिशन मिलता है ना सिर्फ फॉरेस्ट विजिट का परमिशन मिलता है, क्योंकि ये पूरा नेचुरल है और यहाँ का जो ये फॉरेस्ट है ना, ड्राई एंड रेसिडेंस है। ड्राई रेसिडेंस, हाँ, 6 महीना ग्रीन रहता है, 6 महीना ड्राई हो जाता है जी। जैसे आपने आर्टिफिशियल पॉइंट तो देखे होंगे, यहाँ गवर्नमेंट पानी प्रोवाइड करती है। क्या कि सुबह और शाम टैंकर आके भर देता है, कई जगह पे सोलर सिस्टम फिट की हुई है बोरिंग करके, तो उससे ऑटोमेटिक हो जाता है। बाकी कई जगह पे वो पवन चक्की फिट कर दिया है। बाकी तो आपको पता ही है, पूरा नेचुरल है, हमको ढूंढना है जी। जी, बस ढूंढना है, ये टास्क है सबसे बड़ा। ठीक है, तो मतलब हमारा जो मेन टास्क है अब लायन को ढूंढना है। हाँ, ढूंढना है, ढूंढना है। कोई चीज आसानी से नहीं मिलने वाली, आसानी से नहीं मिलने वाली, नेचुरल है ना। हाँ,
अभी हम दोपहर की सफारी कर रहे हैं, लगभग 4 बजे से 7 बजे तक का टाइम होता है, तो अभी थोड़ा सा गर्मी वाला टाइम है यहाँ पर। अभी लायन निकलने के चांसेस कम होते हैं, जैसे जैसे ठंडाई बढ़ती जाएगी, शाम का माहौल आता जाएगा, लायन के निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, है ना सर? क्लाइमेट होगा ना, ठंडा क्लाइमेट होगा, पानी पीने का समय उनका होता है। हाँ, कोई भी आर्टिफिशियल रहता है। अच्छा अच्छा, देखिए बहुत ही पुराना बैनियन ट्री है यहाँ पर, इतनी सारी रूट्स फैली हुई है, अलग अलग आपको लग रहे होंगे प्लांट पेड़, लेकिन ये एक ही है। ये यहाँ पर है कॉलरस्कोपिक आउलेट, ये बैठा हुआ है यहाँ पर, आ रहा है, हाँ आ रहा है, ये देखिए ये बैठा हुआ है यहाँ पर, ये रहा, ये बैठा है यहाँ, दिखाई दे रहा है अच्छा खासा, गर्दन में मूव करा है उसने, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मूवमेंट शो करा है कॉलरस्कोप। ये बहुत रेयर होते हैं जो कि अभी दिखाई, नाइट में मूव करते हैं ना ये जो पेड़ है, गम ट्री का है, गम ट्री, इसको गोस्ट ट्री भी बोलते हैं ना, गोस्ट ट्री भी बोलते हैं, और ये साल में 3 बार कलर चेंज करता है। अच्छा अच्छा, कौन कौन से कलर? रेड, ग्रीन और ये वाइट। बहुत ही सुंदर सा सीन आ रहा है गिर फॉरेस्ट का यहाँ पर। हम चलते जा रहे हैं घने जंगल में अंदर की ओर, आप यहाँ से देख ही पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर सा जंगल है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पानी का सोर्स है, बिल्कुल सांबर डियर जैसा, बिल्कुल बिल्कुल भी दिख रहे, उसका हाँ हाँ बिल्कुल भी दिख रहा है, बिल्कुल सांबर डियर, आगे जाओ, हाँ थोड़ा सा आगे लो, हाँ हाँ सब कुछ है, हाँ बिल्कुल सांबर डियर जैसा फेस है इसका, सींग भी वही है, हाँ ये नया नेचर का कमाल है, सही बात, ये कुदरती है, कुदरती सांबर डियर, सींग वगैरह भी वैसे के वैसे, दोनों तरफ सींग, हाँ सींग भी हैं, उसका फेस भी, फेस भी वैसे का, हाँ मुंह भी, आंख भी बनाई गई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मुंह भी वैसा का वैसे ही, हाँ सही बात, सांबर डियर के फेस का यहाँ पर पेड़ बना हुआ है, बहुत ही सुंदर सा सीन यहाँ देख पा रहे हैं हम। पीकॉक, देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा सीन है जंगल का जिससे हम होकर गुजर रहे हैं। गिर नेशनल पार्क का ये बहुत अच्छा एरिया है, बहुत अच्छा रूट है जिसमें काफ़ी हरियाली है, काफ़ी सारे जो नेचुरल सीन्स हैं जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मोरनी यहाँ पर पानी पीते हुए नज़र आ रही है, बहुत ही सुंदर सा सीन है। देखिए पिकॉक, यहाँ पर पिकॉक बैठा हुआ है यहाँ पेड़ पर, काफ़ी अच्छा सा सीन। लायन अंदर की साइड में सो रहा है, सो रहा है, कहाँ है? देखो ग्रीन पेड़ दिख रहा है, हाँ पूरा नीचे बनियन ट्री है ना, पूरा लाइन पूरा वो रहा, वो रहा, थोड़ा सा आगे ले लो ना, देखिए यहाँ पर लाइन लेटा हुआ है, वो लेटा हुआ है, देखिए पानी के पॉइंट के पास लाइन लेटा हुआ, देखिए लाइन है, बब्बर शेर ही है, तो मेल है ना, थोड़ा सा आप या तो आगे ले लो या पीछे ले लो, अच्छा हाँ कोई बात नहीं, ठीक। ये देखिए यहाँ पर ही बब्बर शेर लेटा हुआ है, लायन है, मेल लायन, ये आईज ओपन है इसके, देखिए मूवमेंट कर रहा है, ये देखिए दांत भी दिखे इसके, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही बहुत अच्छा है, ये देखिए ये पूरा मुँह दिख रहा है, पूरा मुँह दिख रहा है, ये देखिए कितना बड़ा सा लायन है, ये दिखाई दे रहा है, पूरा मुंह दिख रहा है इसका, ये देखिए ये रहा लायन, यहाँ लेटा हुआ है वाटर पॉइंट के पास, और यहाँ काफ़ी सारे कौवे भी हैं, और स्पेशल कौवे हैं, ये देखिए कौवे भी अलग तरह के हैं, क्योंकि क्रो यहाँ पे किल वगैरह होगा तो उसका यहाँ पर कौवे खाने आ जाते हैं। ये लायन है यहाँ पर, ये देखिए ये लेटा हुआ है, दिस इज़ द गिर नेशनल पार्क, और अभी हम हैं रूट नंबर 6 में, और अभी देख रहे हैं लायन को। देखिए यहाँ से बहुत ही अच्छा सा लायन की साइटिंग हो रही है, यहाँ पर देखिए मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको, ये लायन है यहाँ पे लेटा हुआ है वो, ये देखिए पूरा लायन, वो मुंह खुला हुआ है, उसके दांत भी दिख रहे हैं, और अभी वो सांस ले रहा है वहाँ पे बैठ के, वहाँ लेटा हुआ है लायन, देखिए काफ़ी अच्छा सा सीन है, काफ़ी सारे कौवे भी हैं यहाँ पर बैठे हुए, और ये एक आर्टिफिशियल वाटर पॉइंट के पास में है, वहाँ पर पानी है, पानी के पास में लायन। देखिए अभी हमें काफ़ी अच्छी साइटिंग हुई एक मेल लायन की, एक बब्बर शेर की, यहाँ पर लायन दिखने के और भी कई सारे चांसेस हैं, तो अब हम बढ़ते जा रहे हैं अपनी जंगल सफारी में आगे की ओर। ज़्यादातर इस फॉरेस्ट में पेड़ है ना, हाँ हाँ टिकूट के पेड़ है, 75% टिक के पेड़, टिक के पेड़ है, सागवान जो फर्नीचर में यूज होता है, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर मेल स्पॉटेड डियर नज़र आ रहा है, ये देखिए यहाँ चलते हुए काफ़ी अच्छा सा सीन है, ये देखिए
काफ़ी अच्छा सा सीन है, मेल स्पॉटेड डियर और ये पवन चक्की लगी हुई है यहाँ पर, ये पानी भरने के काम आते हैं ना। ट्राइबल विलेज है जी, मालधारी लोग बोलते हैं, तारन रबारी गढ़वी लोग, उन लोगों का विलेज है, चार पांच भाइयों फैमिली के साथ रहते हैं। अच्छा अच्छा। और उनका जो बिजनेस रहता है ना, दूध का रहता है, वो ये सब गाँव बफेलो उनके पास रहती है। अच्छा, और ये और गिर नेशनल पार्क के अंदर का ही रहता है? अंदर के ही रहते हैं, ऐसे जो पूरे गिर में 54 विलेज है। 54 पूरे गिर में? हाँ, पूरे गिर में। और इन लोगों को बिल्कुल शेर से किसी से कोई डर नहीं लगता? शेर और लायन साथ में रहते, पता ही आपको। हाँ सही। और लायन जैसे आदमी को, आदमी के ऊपर वैसे अटैक नहीं करता है, जो कोई हम परेशान करेंगे ना तो फिर। और ये सालों से यहीं से रह रहे राजाओं के टाइम से, यहाँ जूनागढ़ का नवाब था ना, तब से ये लोग रहे तब से। हाँ। और इनका मेन बिजनेस है दूध का? दूध का, सुबह शाम अमूल की गाड़ी आती है। अच्छा, दूध लेके चल यहाँ पर अंदर आती है और लेके चल जाती है। और ऐसे झोपड़े, पक्के झोपड़े वो बना नहीं सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पर इनके इनके पास पास रहता है? हाँ, पास रहता है फॉरेस्ट के अंदर आने का। और राजा ने लिख के दिया था? लिख के दिया है कि गवर्नमेंट इनको बाहर नहीं निकाल सकती। अच्छा, अपने आपसे उनको जाना है तो जा सकते हैं, तो जा सकते हैं अपनी मर्जी से जा सकते, नहीं तो कोई निकाल नहीं सकता। दैट्स व्हाई बहुत गट्स है इनमें। तो लाइन एक बार में कितना मांस खा लेता है? 30-35 केजी एक बार में खा लेता है। फिर वो पूरा 7-8 दिन तक चलेगा, 7-8 मतलब उसके बाद ही किल करेगा वो। अच्छा, और फिर वैसे इजी नहीं होगा, 4-5 बार ट्राई करेगा तब जाके। देखिए यहाँ से बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है गिर नेशनल पार्क के अंदर का, पूरा एरिया बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी से भरा हुआ है। हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं डीप इन द फॉरेस्ट फॉर द सर्च ऑफ लायन। वैसे एक लायन बहुत अच्छे से स्पॉट हुआ, पानी के पास था, लेकिन अभी एक और जगह बहुत अच्छे चांसेस हैं जहाँ पर हमें लायन स्पॉट हो सकता है। वैसे तो जंगल में कहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं, एक और अच्छी लोकेशन है, प्राइम लोकेशन, उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मंकीज, लंगूर, क्योंकि बहुत स्पेशल पोज में बैठे हुए हैं यहाँ पे, हिरन भी थे यहाँ पे, अंदर स्पॉटेड डियर, ये रहा एक और स्पॉटेड डियर बहुत ही पास में, नज़दीक में ही। ये देखें यहाँ से बहुत ही अच्छा सा स्पॉटेड डियर का सीन है, और ये हिरन तो भागते हुए आ रहा है यहाँ से, ये स्पॉटेड डियर भाग तो आ रहा है बहुत तेज़ी से। ये इसकी शायद मदर है, उसके पास गया वो। लेकिन यहाँ से बहुत ही घना जंगल है जिसकी शुरुआत हो चुकी है, इसमें मिक्स वेजिटेशन है हमेशा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर। अच्छा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है वो। रास्ते बने हुए हैं यहाँ पे, 5 और 6 का इधर रास्ता है, 2 और 11 का उधर रास्ता है। सॉम्बर डियर काफ़ी बड़ा दिख रहा है, ये सामने वाली जिप्सी देख रही है, हम भी थोड़ा सा पास से देखेंगे। ये सॉम्बर, ये फीमेल है ना? दोनों फीमेल सींग वाला मेल होता है। अच्छा, ये है बहुत बड़ा हिरन, द सांबर डियर, इंडियन बिग डियर, और ये काफ़ी बड़ी साइज़ की फीमेल्स हैं। ये नील गाय है और ये इसमें 2 बच्चे हैं। हाँ, ये बहुत है। अच्छा, 4 है। देखो, हाँ वो एक पीछे भी है, हाँ वो पीछे भी है इस तरफ। वाह, अच्छा आ रहा है, अच्छा आ रहा है ना। हाँ, ये 2 बच्चे हैं और ये मदर है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन वाह ये भाग गए। ट्राइबल पीपल है, बड़े खुले आम में घूम रही है। तो यहाँ पर मोर काफी सारी मात्रा में, काफी सारे मोर और मंकी। हाँ, तीनों काफी मात्रा में मोरनी। हाँ, मोरनी बैठी हुई ऊपर। देखिए गिर नेशनल सफारी में पूरी जगह आप कहीं भी उतर नहीं सकते जिप्सी से, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको सेंटर पॉइंट बोल सकते हैं, या फिर एक ऐसा रेस्ट पॉइंट जहां पर वॉशरूम की सुविधा बनी हुई है, तो यहां पर हम उतर सकते हैं। पूरी सफारी के दौरान कहीं भी उतरा नहीं जा सकता। यहां पर देखिए काफ़ी सारी जिप्सीज हैं जो कि यहां पर आकर खड़ी हुई हैं। जस्ट 5 to 10 minutes का यहां पर ब्रेक होता है फॉर द वॉशरूम एंड समथिंग एल्स, सो इसके बाद यहां से वापस से सफारी शुरू कर सकते हैं। देखिए आगे बहुत सारे स्पॉटेड डियर हैं, अभी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि वो वहाँ से जैसे जैसे गाड़ी पास जाएगी वो भाग जाएंगे वहाँ से, लेकिन फिर भी हमें यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए काफ़ी सारे स्पॉटेड डियर्स हैं, सब फीमेल हैं, सारी की सारी फीमेल्स हैं, बहुत ही पास में, और सारे के सारे स्पॉटेड डियर्स काफ़ी पास में। ये देखिए बहुत पास में,
देखिए वाइल्ड वाइल्ड वोर बोलते हैं इनको, जंगली सुअर, वाइल्ड वाइल्ड पिग, पिग पिग, जंगली सुअर, इसके दांत भी है, बहुत बड़े बड़े, देखो पीछे वाले को, पीछे हाँ दांत दिख रहे हैं पीछे वाले, ये दो बच्चे हैं इनके, अरे मेल फीमेल शायद, हाँ मेल फीमेल ही, देखिए यहाँ से आगे निकलेंगे, आगे ले लो थोड़ा, रोड क्रॉस नहीं करेंगे, ये देखिए वाइल्ड बोर जा रहे हैं, रोड क्रॉस करके जाएंगे, ये देखिए जंगली सुअर यहाँ से रोड क्रॉस करते हुए, ये देखिए बहुत ही अच्छा सा सीन है, और जंगली सुअर के दांत होते हैं स्पेशली, ये कितना अच्छा सा सीन है, सब झाड़ी में घुस गया, ये देखिए सांबर डियर, सांबर डियर है ना सर, सांबर, हाँ इंडियन बिग डियर, सांबर डियर, और मेल है ये, ये मेल है, इसके सींग है बहुत ही क्लोज में हम इसको देख रहे हैं, देखिए कितना क्लोज है ये, वाओ ऐसे मूर्ति बन के खड़ा हुआ है, इतनी मूर्ति बन के बैठ खड़ा हुआ है, वाओ देखिए यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आएगा क्योंकि ये ढलान वाला एरिया है, अब हम यहाँ से ढलान की तरफ पढ़ रहे हैं, ये देखिए हाँ बहुत शानदार व्यू है यहाँ से, हाँ ये देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ से, ये देखिए पानी का सोर्स है यहाँ पर, थोड़ा सा पानी ज़्यादा नहीं, अच्छा बारिश का पानी है जो यहाँ भरा हुआ रहता है, हाँ 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 इधर भी बहुत सुंदर सा है, वाओ दैट्स द नेचुरल ब्यूटी ऑफ केयर नेशनल पार्क, और यहाँ पर नेवला चलता हुआ जा रहा है ऊपर की साइड, ये देखिए नेवला गया मैंगोज नीचे की तरफ गया है, बहुत खुश हो रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर दो कब्स, तीन कब्स, पांच कब है टोटल, लाइनस है, शेर नहीं बैठी है पूरी की पूरी, देखिए दो कब कट रहे उसमें वीडियो में, अच्छा हाँ ये देखिए ये देखे ये लाइनस, वाह बहुत ही सुंदर सा सीन, पांच बच्चे हैं टोटल, छोटे छोटे पांच, पांच बच्चे, दो फीमेल हैं पानी के पास बैठी हुई हैं, वाह बहुत सुंदर सा सीन है, ऐसा सीन बहुत कम देखने मिलता है जब बच्चे भी दिख रहे हों, बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, वाह छोटे छोटे बच्चे मासूम मासूम ये खेल रहे हैं अपने आप से, आपसे वाह वाह वाह, ये देखिए यहाँ पे खेल रहे हैं बच्चे, एक तो मदर के साथ गया, वाह वो मदर के साथ है, वाह कितना छोटा बच्चा है वो, आवाज भी कर रहे थोड़ी थोड़ी, बच्चे जरा जरा से एक बच्चे खेल रहे, ये छोटा सा मासूम बच्चा है, चाट रहे छोटे कप्स है, छोटे कप्स काफी देर तक हम इनको देख पा रहे हैं, लाइनस लाइनस है, ये देखे बहुत ही खूबसूरत सा सीन, लाइनस यहाँ अपने बच्चों के साथ, देखिए अभी जो हमने सीन देखा बहुत रेयर सीन है, पांच पांच बच्चे एक साथ, दो लाइनस यहाँ पर बैठी थी, और ये सब कुछ सर की वजह से हो पाया, हम अभी इतना अच्छा साइटिंग करके आ रहे हैं, सभी बहुत खुश हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पर हम आपको थोड़ा सा दिखा नहीं पाए क्योंकि टाइम कम था वहाँ पर, ज़्यादा देर नहीं देख सकते थे उस जगह, लेकिन बहुत अच्छी साइटिंग हुई, ऐसी रेयर साइटिंग बहुत ही कम देखने को मिलती है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, ये साल में है ना, हाँ हर साल अपना सिंह गिरा देता है, अच्छा हर साल सिंह गिरा देता है, फिर बाद में नहीं आते, नहीं आते हैं, और ये अभी एक सिंह टूट गया, मतलब लड़ाई में टूटा ना, नहीं वो गिरा देता है, अच्छा गिरा देता है, अपने आप ही गिरा देता है वो, पेड़ पे घिस घिस, अच्छा पेड़ पे घिस गए और फिर नहीं आने लगता है, फिर नहीं आ जाता, नाखूनों की तरह मतलब, हाँ है ना, जैसे हम नाखून काट देते फिर अभी उनको कैल्शियम की कमी होगी ना, हाँ हाँ, तो वही अपना सिंह खाएगा, सिंह भी खा लेगा वो, हाँ चिंगम की तरह चबाएगा, अच्छा कैल्शियम मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा, अच्छा
देखिए यहाँ पर हम अभी लाइन साइटिंग करके आए हैं और पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा है। आगे भी चांस लेते हैं अगर कुछ और लाइन शायद हमें आगे दिखाई दे या फिर कुछ और जंगली जानवर दिखाई दें। वैसे वो जो नज़ारा था वो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अमेजिंग सीन। सात सात लाइन वहाँ पर एक साथ थे, मतलब 5 तो कब्स और 2 लायनेस थी। इससे पहले हमने लायन देखा जो लेटा हुआ था वहाँ पे, तो कुल मिला के अभी हमने 8 लायन यहाँ पर देखे हैं सफारी के दौरान। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग सा सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है गिर नेशनल पार्क और यहाँ पर भैंसें चराई जा रही हैं, और इतनी भैंसें नहीं, हमारे आगे भी कई सारी भैंसें चल रही हैं। थोड़ा सा आप सीन देखिए, ये कई सारी भैंसें हैं, यहाँ पूरा का पूरा ऐसा लगेगा जैसे कि ये जंगल सफारी भैंसों की एक तरह से हो रही हो, लेकिन यहाँ पर मालधारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं जो कि इन भैंसों को पालते हैं। दूध का जो बिजनेस है उनका मेन काम होता है, और इन भैंसों का शिकार कई बार लायन कर भी लेता है, लेकिन तब जब ये भैंसें अकेली हो जाएँ। वैसे इन एक अगर ग्रुप में चलती हैं तो इस तरह से शिकार करना लायन के लिए भी मुश्किल होता है। देखिए यहाँ पर इस तरह से जो गाय भैंसे चरा रहे हैं वो मालधारी कम्युनिटी के लोग हैं। देखिए जैसे कि सर, जैसे कि अंकल यहाँ पर भैंसे चरा रहे हैं, और यहाँ पर शेर भी घूमता है और यहाँ पैदल। नमस्ते अंकल। नमस्ते, आप यहीं रहते हैं? अच्छा, ये घर आपके हैं? अच्छा अच्छा, आप ये भैंसे वगैरह सब आपके हैं? अच्छा अच्छा, आप सालों से यहीं हैं? सालों से यहीं रहते हैं? वर्षों से। शेर वेर का डर नहीं लगता आपको? नंबर 3 में मालधारी कम्युनिटी के दूसरे हाउसेस जो यहाँ पर बने हुए हैं, एक तरह से इस तरह से जो टापरियाँ वगैरह बनी है, यहाँ पर भैंसें गायें वगैरह रहती हैं उनकी। पूरा का पूरा जंगल के बीच का है ये घर, और यहाँ पर इस तरह से लोग रह रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी घर बने हुए हैं। ये दूसरा एक तरह से लोकेलिटी है जहाँ पर लोग रह रहे हैं। अंकल आप यहीं रहते हैं? यहीं पे वहाँ जंगल में? आपको शेर से डर नहीं लगता? नहीं नहीं, तो जंगल में राजा से। अरे आपके घरों में भी आ जाता होगा? अरे और बिल्कुल डर नहीं लगता? अच्छा, राजा से ना डर लगे। अच्छा, मारे वो मगरमच्छ के यूं हाल है। अच्छा, बिल्कुल डर नहीं लगता? आप ऐसे रोज आते जाते हैं जंगल से बाहर? और रास्ते में शेर भी मिल जाते होंगे? हाँ, तो फिर क्या है, आप पे अटैक नहीं करते? साइड में से चले जाते हैं? अच्छा, और आपकी वो गाय भैंसे ऐसे ही चराते हैं आप नॉर्मली? तो उनको शेर नहीं मारता? शेर ना कोई अगर पास रोए तो मारी ना कभी। अच्छा 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 अच्छा, अकेला रह गया तो मारेगा, नहीं तो झुंड में नहीं मारेगा? अच्छा अच्छा, वाकई थैंक यू। अब मैं आपको मिलाने वाला हूं हमने हमारे गाइड सर से, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस गाइड हैं, और इनकी वजह से हम बहुत अमेजिंग साइटिंग कर पाए। सर आपका नाम? विपुल भाई चावड़ा। विपुल भाई चावड़ा बहुत अमेजिंग आदमी हैं, और पूरा जो ट्रिप है इसमें सिर्फ हमने साइटिंग ही नहीं की, जानवर ही नहीं देखे, इनके साथ काफ़ी इन्जॉय भी किया, क्योंकि इनका नेचर जो है बहुत ही हंसमुख मिजाज का है। और सर और कुछ बताइए, आप यहाँ के यहाँ लोकल हैं? बिल्कुल लोकलाइट, लोकल यहीं से, शासनगर से। हाँ, यहाँ लेपर्ड दिखा है। बस हेमन प्रवादी हेमन नहीं करती। कहाँ पे? नहीं दिखा। देखो जो जा रहा है, देखो वो जा रहा है, जा रहा है, मूवमेंट कर रहा है। हाँ, वो दिख रहा है, वो लेपर्ड है। हाँ, पूरा लेपर्ड वहाँ, वो दिख रहा है। शेर कुछ है पर मुझे यहाँ पे कैमरा में फोकस नहीं हो पा रहा। हाँ, वो दिख रहा है, दिख तो रहा है। थोड़ा सा आगे लो, ये गेट में आ रहा है। आगे देखो जो आ रहा है, देखो आ रहा है। हाँ, वो दिख तो रहा है। देखिए ऊपर काफ़ी सारे मंकीज़ हैं, ऊपर से ये फल गिराएंगे और नीचे हिरन जो हैं इन फलों को खाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये रहे काफ़ी सारे स्पॉटेड डियर्स हैं, ये बहुत क्लोज, और ये एक ही नहीं है, ये कई सारे हैं, इतने सारे। ये देखिए स्पॉटेड डियर्स वेरी नियर, वेरी क्लोज टू अस, बहुत पास में स्पॉटेड डियर्स। देखिए यहाँ पर इस तरह से आर्टिफिशियल वाटर पॉन्ड में इस तरह से टैंकर में से पानी भरते हैं, पहले सफाई कर रहे हैं, उसके बाद इस तरह से आर्टिफिशियल वाटर पॉन्ड में पानी भरा जाता है। अभी सफाई कर रहे हैं। ये देखिए कई सारे स्पॉटेड डियर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, एक साथ काफ़ी सारे स्पॉटेड डियर्स, और एक तो ये रोड क्रॉस करके जा रहे हैं मंकी उसके बेबी के साथ। देखिए बेबी और यहाँ तीनों मंकी अपने बेबी के साथ। ये देखिए मंकीज अपने बेबीज को लेके बैठे हुए हैं, हिरन भी साथ में चल रहे हैं इनके, बहुत ही सुंदर सा हिरन और मंकी की दोस्ती पक्की दोस्ती है। मतलब मंकी ऊपर से फ्रूट्स गिराता है, हिरन नीचे खाते हैं, पर बहुत ही सुंदर सा सीन है ये नेचर के साथ। ये देखिए, ये रहा बहुत ही पास में स्पॉटेड डियर,
पर इसके सींग बहुत सुंदर से लग रहे हैं। वाह कितना सुंदर सा लग रहा है यहाँ पे, मेल है ये, बहुत ही सुंदर सा सीन स्पॉटेड डियर का, मूव करता जा रहा है ये, अब दौड़ेगा। हाँ यहाँ से सनसेट का बहुत अच्छा सीन है, वी आर सीइंग द सनसेट। देखिए ये अभी जो हमारी शाम की सफारी थी जिसमें 4 से 7 वाली सफारी, इसका जो टाइम है वो ख़त्म होने वाला है। हमने काफ़ी अच्छी साइटिंग करी, अभी 8 शेर यहाँ पर हमें नज़र आए, बहुत रेयर साइटिंग होती है जिसमें 8-8 शेर आपको एक बार नज़र आए। बहुत अच्छा लगा हमें ये, आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा हमारा इस चीज़ का और आपने कैसा इन्जॉय किया इसके बारे में हमको कमेंट में बताइए। तो अब यहाँ से हम एग्ज़िट हो रहे हैं नेशनल पार्क से बाहर, गिर नेशनल पार्क का ये एग्ज़िट गेट है, ये 2 नंबर का ही एग्ज़िट गेट है, सेम गेट है जिससे हमने एंटर किया था, उसी गेट से हम यहाँ पर। ये देखिए बहुत ही सुंदर से यहाँ जंगली जानवर भी बनाए गए हैं इस गेट पर, बहुत ही अच्छा सा सीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।